नमस्ते फ्रेंड, मैं शेफाली शेफाली की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। तो कढ़ाई में तेल डाल चुकी हूँ, तेल गरम हो चुका है और इसमें मैं साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े से लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह। और अब मैंने यहाँ पर एक बारीक प्याज काट कर डाल दी है और ये बेसन और दही का घोल रखा हुआ है और ये कुंडा है जिसमें मैं दही जमाती हूँ। आज मैं इसे वॉश कर दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 बार इसमें मैं दही जमा चुकी हूँ। और ये मैं ब्रेसलेट आपको दिखा रही थी जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया हुआ था, तो अब मैं इसे रेगुलर रोज़ में पहन रही हूँ। यहाँ पर 2 मिर्च ली हैं, इनको बड़ा बड़ा सा काट के ऐसे ही 2-2 टुकड़े करके मैंने डाल दिए हैं, जिससे कि अगर विराज को देनी होगी कढ़ी तो मैं इसको मिर्च निकाल कर दे दूँगी। और सच में बहुत ही अच्छी टेस्टी कढ़ी बनी थी। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं कढ़ी खा भी चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। साबुत मसालों में मैंने मेथी भी दाना भी डाला हुआ है और थोड़ी सी ज़्यादा सी हींग डाल दी है, थोड़ी हल्दी। और यहाँ कढ़ी पे मैं धनिया पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ हल्दी और मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा सौंफ पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और सच में बहुत ही यम्मी कढ़ी बनी थी, बहुत ही अच्छी लगी। पकौड़े वगैरह मैंने कढ़ी के बना रखे हैं और घोल भी तैयार कर रखा, देखिए ये दही और बेसन का। और इसे मैं इस तरह से छान कर डालती हूँ, क्योंकि जब दही में थोड़ी सी फुटकी वगैरह होती है ना, तो उससे फिर कढ़ी देखने में अच्छी नहीं लगती, स्मूथ नहीं लगती है, चिकनी चिकनी सी घर का जमा हुआ दही है। तो अच्छे से इसको मैं छान के इसमें डाल दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाती रहूँगी। कढ़ी को जितनी अच्छे से आप चलाएँगे और जितनी ज़्यादा देर पकाएँगे, कढ़ी में स्वाद उतना ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से चलाते रहिए। नमक मैंने ऐड नहीं किया है, नमक मैं जब 15-20 मिनट हो जाएंगे कढ़ी को पकते हुए, उस टाइम पे मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि अगर पहले डाल दो ना तो दही थोड़ा सा फट जाता है, तो फटी फटी कढ़ी देखने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है और खाने में भी थोड़ा सा टेस्ट उसका बदल सा जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी भी बढ़ाती रहूँगी, क्योंकि ये गाढ़ी होती रहती है और ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैं जैसे जैसे इसका पानी कम होता जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालती रहूँगी। और ये देखिए पकौड़े मैंने कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे स्पंजी पकौड़े बने हुए हैं। 15-20 मिनट हो चुके थे तो अब मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। कढ़ी आप देख सकते हैं कढ़ाई कैसे निकल निकल के काफ़ी अच्छे से पक चुकी है काफ़ी देर तक। अब मैं इसमें पकौड़े डाल दूँगी, और पकौड़े जब भी आप कढ़ी में डालें तो हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा से दबा के डालें, जिनसे क्या होगा जब ये दबके नीचे उसमें कढ़ी में जाएंगे ना, और फिर जब फूलेंगे तो कढ़ी का जो ये रसा है कढ़ा कढ़ी, तो ये अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पकौड़े तक अंदर तक जूसी बनेंगे, है ना। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं कह नहीं पा रही हूँ वो चीज़ है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छे अंदर तक जो कढ़ी का दही वही है सब अंदर तक ही चला जाएगा रसा, और बहुत ही यम्मी कढ़ी बनेगी। इसके बाद भी पकौड़ों डालने के बाद भी देखिए ऊपर से मैं इसको ऐसे करती रहूँगी, जिससे कि ये अंदर तक इसमें सूख लें। और इसके बाद 15-20 मिनट तक मैं इसे धीमी धीमी एक बिल्कुल मंदी मंदी आँच में इसे पका लूँगी। और यहाँ पर मैंने चावल भिगो कर रखे हुए थे, 10 मिनट तक भीग चुके हैं चावल भी, तो अब मैंने भी प्रेशर कुकर में डालकर एक सीटी आने तक पका लूँगी। इस तरह से देखिए पानी मैंने डाल दिया। कुकर को मैंने थोड़ा देर पहले से गैस पर यूँ रख दिया था, क्योंकि जैसे हम बर्तन साफ करते हैं ना तो कुकर में थोड़ा सा पानी रह जाता है, टंकी का पानी और फिर फिल्टर का पानी जब हम डालते हैं तो वो फिर मिक्स हो जाता है। इस वजह से मैं पहले कुकर को गैस पर थोड़ी देर गर्म कर लेती हूँ, पानी सुखा देती हूँ बिल्कुल, फिर करती हूँ। यहाँ पर मैंने आम ले रखे थे और ये मैंने कल मॉर्निंग में आम लिए थे, तो 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इनको रखे हुए। इस तरह से मैंने लेकर रख दिए थे क्वारंटाइन पीरियड में, क्योंकि कोरोना फिर से लौट आया, आप सभी लोगों को पता है। तो थोड़ा बाहर का जब सामान लाएं तो उनको थोड़ी देर 1 दिन के लिए तो बाहर ही रख दें। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर 4 सारे आम को मैंने वॉश करके रख दिया है, सिर्फ 4 आम मैं कट कर लूँगी इनको देने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद तो ये खाएंगे नहीं और अभी ये खा लेंगे, मैं इनको कट करके दे दूँगी। तो जितनी देर में मेरा खाना बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं कढ़ी भी मेरी पक रही है तो कढ़ी भी चलाती रहूँगी और अपना आम भी काट लूँगी। ऐसे तो ये आम रखे रहेंगे, अगर मैंने काट के नहीं दिए तो ये फिर नहीं खाए जाएंगे, भले सड़ जाएँ फिक जाएँ कोई बात नहीं, लेकिन अपने हाथ से उठा के ये नहीं खाने वाले। इस वजह से मैंने सोचा चलिए जब तक ये कढ़ी मेरी पक रही है मंदी मंदी आँच में, चावल भी हो रहे हैं और रोटी बनाने में थोड़ा सा तो टाइम है, तो मैं इस टाइम को आम कट करने में यूज़ कर लेती हूँ। और इनको इस तरह से पीस पीस काट के छोटे छोटे और फोक लगाकर मैं देती हूँ, तभी ये खाते हैं, वरना ये नहीं खाते हैं। या फिर मैंगो शेक बना कर दे दो, और मैंगो शेक किस समय मैं बना नहीं सकती क्योंकि मेरी मिक्सी हो गई है ख़राब, 7-8 साल हो रहे थे मेरी मिक्सी को भी, फूड प्रोसेसर जो मेरा है कभी ख़राब नहीं हुआ वो, लेकिन इस बार उसकी डायरेक्ट मोटर फूक गई है, उसमें 2000 रुपये का खर्चा आएगा
और उधर मेरे चावल, देखिए पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, वो निकल गया। इस कुकर में ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, जब से आया तब से ये हाल है कि इसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी होता है तो निकल जाता है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है, चलिए काम तो कर ही रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं आम को कट कर रही हूँ। मैं मिक्सी का बता रही थी कि 2000 तो लगेंगे, कोई बात नहीं, मैं लगाने की भी तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से नई मोटर वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, और उसकी मोटर भी फूक गई है, और फूड प्रोसेसर का जो आटा जिसमें हम मारते हैं ना, तो उसका भी वो अटैचमेंट है उसका, वो भी टूट गया है पता नहीं कैसे, तो उसमें लंबा खर्चा भी आ रहा है, और लॉकडाउन जब तक है तब तक तो वो होगा भी नहीं। इस तरह से छोटे छोटे पीस मैं आम के कट करके इनको दूंगी जाके, और लगे हाथ में तुरंत चाकू और जो है मेरा पिलर चाकू आम छीलने वाला, उसको भी मैं रख दूंगी क्योंकि धो के, क्योंकि फिर वो सूख जाता है, तो आम लगता है। आप लोग भी खा लीजिए, और ये मैं देने जा रही हूँ अपने पति देव को। आइए दिखाते हैं क्या कर रहे हैं, दूर से दिखाएंगे, बात बिल्कुल नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बस दूर से दिखाएंगे वो कर क्या रहे हैं। विराज क्या देख रहा है? टीवी। बाहर से भगा दिया गया ये। विराज को मैंने अभी क्या बना के दिया था? ये पकौड़ियाँ, ये खा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। मैंगो खाओगे बेटो? क्या मैंगो क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? मैंगो का फ्रूटियों से वो खाऊंगा। फ्रूटी कैसे बना के तुम बताओ? मिक्सी लाई आओ। और मुझे पता है मिक्सी कहाँ मिलती है। वो जो यहाँ पे तुम चिंता लेने एक दिन गए थे ना, वहीं पे। और ये कपड़ों का लगा ढेर, मुझे तय करने इतने सारे कपड़े। और मैं इसलिए दुखी लगा। नहीं बेटू, धुले धुलाए कपड़े हैं। पापड़ खा लिया? और दो ना। सारे फिनिश हो गए, आप फिर से फ्राई करूंगी तब दूंगी। तो ये था जी काम, और मेरा काम किचन में भी चल रहा है, तो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। कढ़ी बन चुकी है, और कढ़ी बनने के बाद किचन का क्या हाल होता है वो भी देखिए आप। ये देखिए येलो येलो कितना ये गंदा गंदा हो गया है, चूल्हा भी कितना गंदा हो गया एकदम से। मुझे पता है ये बिल्कुल गंदा लगता है, अब मैं जैसे ये चूल्हा ठंडा होगा मैं तुरंत पहले इसकी सफाई करूँगी। चावल बन चुके हैं, कढ़ी बन चुकी है, कढ़ी में एक तड़का रह गया है वो भी मैं लगाऊँगी देसी घी का, और रोटियां बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, भूख लग रही है काफ़ी तेज़ से। अब ये ब्लॉग जो है यहीं पर मैं एंड करूँगी। मैं बातें और कुछ कर रही थी, लेकिन एडिटिंग के टाइम पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबा खींच रहा है ये ब्लॉग, तो यहीं पर इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे कह रही हूँ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर जो न्यू आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।